बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची शहर में गुज़िश्ता 40 साल से 30 साल से तमाम कब्रिस्तान भर चुके हैं और कब्रिस्तानों की सूरत हाल को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईत अहमद साहब की जानिब से ऐलान किया गया कि कब्रिस्तानों की ज़मीनें दी जाएंगी लोगों को और उस पर काम चल रहा है ताकि नए कब्रिस्तान बनाए जाएँ और जो कब्रिस्तानों की सूरत हाल थी, सड़कों का मसला, अंदर पानी का मसला, अंदर दीगर मसाइल, जो माफियाज का रास्ता, उस हवाले से भी काम चल रहा था। GFS बिल्डर से हमने एक अपील की कि ईसा नगरी कब्रिस्तान में सड़कें डलवानी हैं, दीवारें पेंट करानी हैं और जो कुछ लिखा हुआ है सब मिटा के, मतलब साफ़ सुथरी दीवारें करवानी है और ये सब चीज़ें, तो उस पर उन्होंने साथ दिया। और GFS बिल्डर के ऑनर इरफान भाई साहब की जानिब से इस वक्त ईसा नगरी कब्रिस्तान में 3 सड़कें डाली जा रही हैं, दीवारें कलर हो रही हैं। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ, आइए। ये सारा डामर वगैरह तैयार हो रहे हैं, मशीनें चल रही हैं। दीवारें पेंट हो रही हैं। दरवाजे पे सारी टूटी हुई जगह जो होती हैं, सारी कब्रिस्तान में दाखिल होने की जगह, ये सब मट्टियाँ साफ़ की जा रही हैं इसके अंदर सारा। अभी यहाँ पर काम होगा, मशीनें चल रही हैं। ये वाली सड़क डलेगी पूरी और उसके अलावा ये सामने वाली सड़क, और बहुत बड़ा कदम है एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईत अहमद की जानिब से कि कराची शहर के लिए बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की नई ज़मीनें निकाली जा रही हैं। ये सारे रास्ते, ये अभी यहाँ पर ये भी पूरी सड़क डलेगी, तो ये सारा काम जारी है। दिखाने का मकसद आप लोगों को ये है कि GFS बिल्डर वालों का बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई साहब का कि बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया है और ये पूरी शक्ल बनाई जा रही है अच्छी करके। वीडियो को लाजमी शेयर करें, देखिए अंदर भी कलर वगैरह शुरू हो चुका है, उधर भी टीमें लगी हुई हैं। वीडियो को लाजमी शेयर करें, ये देखें अंदर ये सब कलर हो चुका है, मज़ीद काम जारी है। एक बार फिर GFS बिल्डर वालों का शुक्रिया और इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, थैंक यू।